हमारे भक्तों के लिए आशीर्वाद, उनके परिवार वालों के लिए भी आशीर्वाद, जहाँ जहाँ भी हमारे भक्त बैठे हुए हैं, चाहे वो फेसबुक पर हैं या इंस्टा पर हैं या यूट्यूब पर हैं, उन सब के लिए हमारा भरपूर आशीर्वाद है। और जिन्होंने भी पिछली बार देखा होगा कि भाई कुछ इंटरेक्शन में दिक्कत जो आई थी, तो उसके बाद हमने एक टेस्ट वीडियो किया था, तो उसमें आना जरूर शुरू हो गया था। तो हम अपने भक्तों को आज बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उनको लाइव जो लिया जाए, क्योंकि टाइम टू टाइम ये चीज़ कुछ चेंजेस होती रहती हैं, उनके फीचर्स चेंज होते रहते हैं। लेकिन हमारे भक्त जहाँ भी बैठे हुए हैं, ये ज़रूर सोच लें कि चाहे किसी भी रूप में बाबा आते हैं, चाहे वो कोई माध्यम हो या जो मन से भी सोच रहा होता है, तो उसी तरह सब पर कृपा जाती है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम सबको ये बता देना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के जो पहले से सालों से आते हैं, तो कुछ ऐसे प्रश्न भी आते थे, हालांकि हमने बताया हुआ था, ये टीवी पर भी पहले कई बार गया हुआ है, पूर्णमासी में बताया हुआ है कि लोगों को बाबा जी जल या इलायची का प्रसाद जो है मिलता था, और वो हमेशा भक्त जो है चाहे समागम में आते थे या पूर्णमासी में आते थे। तो हम सबको बता देना चाहते हैं, जो नियम पहले था वही अभी है, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस नहीं होती हैं, भले नहीं आ पा रहे हैं। पहले जैसे टीवी के आगे बैठते थे, प्रोग्राम आता था, या पूर्णमासी को आप फेसबुक लाइव पर जब आते हैं, जब भी हम आते हैं, तो आप उसी तरह जल की बोतल रख सकते हैं, और आशीर्वाद है हमारा वो जल। लेकिन एक है कि वो आपके अपने परिवार के लिए ही बनेगा, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो वो बिल्कुल इलायची प्रसाद भी उसी तरह बन सकता है और जल भी उसी तरह बन सकता है। आप अपने जब भी प्रोग्राम आता है तो आप बैठ वो रख सकते हैं, एक पानी की बोतल, चाहे मिनरल वाटर रखिए चाहे साधारण जल जो भी आप यूज़ करते हैं वो रख सकते हैं, और इलायची का प्रसाद भी इसी तरह हो सकता है। बस एक ही उसको जो हमने कहा है कि उसमें आपने मिक्स नहीं करना है, और जब भी हम आए तब आप परिवार के लिए बना सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं, हमारा आशीर्वाद है। अब लोगों के भाई मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं, तो हम ये राजेंद्र कौर हैं और खुशबू राय हैं और ये मिल्की जोशी हैं, भाई आशीर्वाद है सबके लिए। और हम कोशिश करेंगे कि लोगों को जो है लिया जा सके कैमरे पर, और भाई ये बिंदु बाला सिंह है, सबको हम जो पहले बताए हैं कि जिनके भी मैसेज आते हैं यहाँ, तो उनको हम क्लिक करते हैं तो वो ऑन कैमरा जो है वो आ जाते हैं, और उसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। और जिसका भी नंबर लग जाए तो लग जाए, चाहे वो इंस्टा में लगे या फेसबुक में लगे, तो भैया लक्ष्य सिंह हैं और मनीष हैं, रीवा हैं, पूजा सिंह हैं, भाई सबके लिए आशीर्वाद है। और ये अनुज तलवार हैं, अशोक हैं, सीमा सिंह हैं, अमित हैं, और इधर ये रोमी हैं, और किंग कोबरा, भाई ये किंग कोबरा किसने नाम लिखा हुआ है, ये बड़ा सेंसिटिव नाम है, बेटर है कि इसको चेंज कर लीजिए। तो ऐसे नाम जो हैं, क्योंकि भाई ये भाई इंस्टा पर भी हमारे कुछ भक्त आ रहे हैं, और ये विशाखा हैं, और
ये प्रिंस हैं भाई, सबके लिए आशीर्वाद है। और भाई ये प्रतिमा बिष्ट हैं, संगीता सिंह हैं, ये लोकेश हैं यूट्यूब पर भाई वर्मा, आशीर्वाद है उनके लिए भी। और भाई जिनको भी ये जाता है मैसेज ब्रिंग ऑन कैमरा का, हम जो क्लिक करते हैं तो वो समय उसमें ना लगाएं, नहीं तो फिर हमें आगे बढ़ना पड़ता है। और जो भाई गोकुल हैं, मनोज हैं और सुषमा हैं और राजेश हैं और बॉबी सिंह हैं, गुरुंग हैं, सबके लिए भाई आशीर्वाद है। और सोनाली हैं, उदय झुनझुनवाला हैं, परमजीत सिंह हैं, और इधर भाई ये भगत सिंह हैं, यूट्यूब पर हैं, आशीर्वाद है। प्रणाम बाबा जी। हाँ जी प्रणाम बाबा जी, आशीर्वाद है बाबा जी। भी बिल्कुल आपका आवाज भी आ रहा है, वीडियो भी आ रहा है। मैं एक बात बोलना चाहूंगी बाबा जी, सिर्फ एक बात, मुझे कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं बोलना, आप मुझे बात कर रहे हैं, मुझे इतनी बड़ी खुशी। मैं 10 साल से वेटिंग में हूँ, मैं नेपाल में जनकपुर में रहती हूँ। सबसे बड़ी बात है दुख हो खुशी हो, ऐसा लगता है हर पल मेरे साथ है। मतलब कुछ भी नहीं पूछना है मुझे, क्योंकि आप मुझे हर पल जवाब देते हैं। तो आपने मुझे क्या भाई, बिल्कुल आशीर्वाद है। आप जहाँ भी बैठे हैं, देखिए बहुत से, हम सबको बता दें कि लाखों भक्त हैं और हर एक से बात संभव नहीं हो पाती है क्योंकि ये तो एक माध्यम है, लेकिन जो मन से भी याद करता है तो बाबा बिल्कुल हर भक्त के मैं साथ। पागलों की तरह दीवानी हूँ बाबा जी, यकीन मानिए कि एक राह दिखाई आपने कि भगवान को ऐसे करने से क्या होता है, किसके साथ क्या बिहेव करना चाहिए, हर कुछ। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जीरो क्या माइनस में थी बाबा जी जब मेरी शादी हुई तो, और आज आपने मेरे औकात से ऊपर सब कुछ दिलवाया है, सच बता रही हूँ मैं। अभी अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है और कृपा बिल्कुल चल रही है। ऑटो में चढ़ बाबा जी, ऑटो में चढ़ने से पहले मैं सोचती थी आज हमारे पास बहुत बड़ी वाली गाड़ी है, मैं बता नहीं सकती बाबा जी, आपका ही दिया सब कुछ है इसलिए आपको क्या बताना। मतलब मैं चढ़ते मैं सोचती हूँ, कह रहे मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, मुझे हर समय फील होता रहे मैं तो लायक ही नहीं हूँ। बिल्कुल आशीर्वाद है हमारा और कृपा भी आ रही है। और एक रामायण की तरफ बड़ा ध्यान गया हमारा। रामायण बाबा जी, जैसे ना पहले नवरात्रों में एक बाबा जी आते थे वो रामायण का पाठ करते थे, अब वो बाबा जी रहे नहीं। भाई ऐसा है, बाबा जी चाहे जो पढ़ते थे नहीं रहे, लेकिन आप रामायण खुद भी पढ़ सकती हैं, चाहे 2 लाइनें पढ़िए, थोड़ा जितना पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा। आपकी उससे कृपा जरूर आ रही थी, सुन लीजिए, चाहे अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो रामायण का बिल्कुल आपका कृपा चल रहा है, इसी तरह चलती रहेगी, आशीर्वाद है हमारा। और एक बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। एक सेकंड, ये परफ्यूम आ रहा है हमारा गाड़ी में, आपने परफ्यूम रखने का कुछ सोचा? नहीं बाबा जी, मुझे ध्यान भी नहीं है गाड़ी में ये लोग ने क्या परफ्यूम रखा है नहीं रखा है। एक्चुअली मुझे परफ्यूम उतना पसंद नहीं है, कोई भी चीज की स्मेल गाड़ी में मुझे पसंद नहीं है। हाँ ये बात है, बाकी जो फाउल स्मेल है वो नहीं आएगी तो, लेकिन उसके लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं रखे। परफ्यूम जो है बहुत सी देवी शक्तियों को चढ़ाया जाता है,
और कई जगह उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके लिए नेगेटिव थॉट नहीं रखनी है, बल्कि एक बार जरूर रख लीजिए, उसके बाद आप रखिएगा या नहीं गाड़ी में, क्योंकि परफ्यूम का आपका थोड़ा सा आ रहा है। और ये पर्स में क्या रखते हैं, अभी पर्स की तरफ बड़ा ध्यान गया है, पैसों के अलावा? कुछ भी नहीं बाबा जी, बस पैसे और कुछ भी नहीं, और माउथ फ्रेशनर या कुछ ऐसा वैसा और कुछ भी नहीं। हाँ, एक मिनट, माउथ फ्रेशनर रखते हैं तो गाड़ी का भी फ्रेशनर होता है ना, रूम फ्रेशनर भी होते हैं, तो ध्यान तो माउथ का रखते हैं, उनका भी तरफ जो है वो फिर फ्रेशनेस ही होगी। अब दो गुलाब के फूल जो है वो आप घर में ही चढ़ा दीजिएगा, आशीर्वाद है हमारा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम, बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। कोशिश करेंगे कि और भी लोगों को लिया जाए। भैया YouTube पर भी जो हमारे मैसेज भेज रहे हैं भक्त, हमको याद है, अभी हमने कहा भी हुआ है आपको, लेकिन YouTube पर हम अलग से जरूर आएंगे, इस बार तो हम नहीं आ पाए, लेकिन इस महीने में जरूर हम YouTube पर, क्योंकि हमने जो Facebook पर है, हमको भी कहा था कि YouTube पर हम आया करेंगे, तो आपको मैसेज भी आ जाएगा। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन कर रखा है, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया, तो वो कर सकते हैं, ताकि उनको नोटिफिकेशन चली जाएगी। और थोड़ा सा जो फेसबुक पर नहीं होता है, वो हम वहाँ पर यूट्यूब पर दिया करेंगे, कि कुछ लोगों के जो है बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस होते रहते हैं। हाँ जी, ये भाई हम आगे बढ़ते हैं। भाई ये इंस्टा पर भी जो आ रहे हैं, आशीर्वाद है उनका, क्योंकि इंस्टा पर काफ़ी नंबर पहले लग चुके हैं पिछली एक दो बार में, इस बार हम क्योंकि फेसबुक लग रहा है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो मैं इधर लग सकें और जो नहीं तो उधर भी लगेंगे, ऐसा नहीं है। भाई ये आरबी सहगल हैं और संदीप हैं, आशीर्वाद अभी सबके लिए। फिर कोशिश किया है कि किसी का नंबर ऐड हो जाए। हाँ जी, हेलो, बिल्कुल हो गया है, आपका वीडियो आना शुरू हो गया है। हाँ जी, कहाँ से आप बोल रहे हैं? अच्छा, बाबा जी मैं मुंबई से बोल रही हूँ। हाँ, मुंबई मुंबई से। उम्मीद किया था कि बोल आपको रही हूँ। नंबर नहीं बिल्कुल भी नहीं किया, मैं ऐसे ही देख रही थी फोन को। मम्मी मम्मी, बाबा जी ने नंबर लगा दिया अपना, कोई बात, इधर कोई आओ बात इधर है। आओ। अच्छा, सबसे पहले एक चीज बताओ हमें कि सिद्धि हाँ हाँ विनायक गणेश जी बहुत आ रहे हैं, कब गए थे वहां? हाँ वो अभी तो बाबा जी लॉकडाउन अभी टाइम हो गया बहुत गए हुए। प्रणाम बाबा में जी, बहुत कोटि कोटि लोगों प्रणाम बाबा जी। का आशीर्वाद है। लॉकडाउन के पहले गए थे बाबा जी सिद्धिविनायक। भाई उनकी कृपा बिल्कुल चल रही है, लॉकडाउन में भी गणेश जी की कृपा उसी तरह चलती है, जब नहीं भी जा सकते हैं तो वो बिल्कुल आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, जब खुला हो या वैसा हो तब, लेकिन गणेश जी की कृपा बिल्कुल आ रही है। आप घर में ही एक उनका नारियल चढ़ा दीजिएगा घर में ही, और वो प्रसाद की तरह आप सारे ले सकते हैं। और एक ये साईं बाबा भी आ रहे हैं अभी, और उनकी विभूति आ रही है, हाँ जी कभी बाबा जी, लाए? रोज लेते हैं, रोज लेते हैं बाबा जी हम लोग। बस लेते हैं, उसी कृपा से आपका आज नंबर लगा है, और वो अपना नियम कंटिन्यू रखिएगा, जो भी आप लेते हैं जितने भी, तो हमारा आशीर्वाद है, और आपके काम भी अब बनने शुरू हो जाएंगे। और विभूति का एक शायद इतना ही हो जाएगा सूर्य, बाबा जी। एक सेकंड, एक सेकंड जरा ये बताइए कि हाँ सूर्य को जल आपने कब दिया? सूर्य बहुत आ रहे हैं। मैंने मैंने नहीं, बाबा जी, मैं तो मेरे आपने मेरे को 15 दिन हो गया होगा। तो पंद्रह दिन हो गया, क्या बोले थे उस समय? कुछ नहीं बाबा जी, मैं आपका नाम लेती हूँ और जय सूर्य देवता बोलती हूँ बाबा जी। क्योंकि
सूर्य की कृपा बिल्कुल आ रही है, और अब जिसको कहना चाहिए कि ऐसी कृपा आ रही है कि भाग्य उदय की कृपा आ रही है, आशीर्वाद है हमारा। और हम अपने सब भक्तों को कुछ बताना चाहेंगे कि प्लेनेटरी शक्तियां कैसे काम करती हैं, कि देखिए उनको उपायों से कभी नहीं बांधा जा सकता। अगर सूर्य का इन्होंने जल भी दिया तो सूर्य एक उनकी कृपा आनी शुरू हो गई, और ऐसे ही चाहे वो शनि हैं या कोई और ग्रह हैं, और ऐसा नहीं है वो इतना व्यापक है उनका कहीं भी रहे कोई, लेकिन उनकी कृपा वैसे ही चलती है। लेकिन कभी कभी आदमी भटक जाता है, उपायों में पड़ जाता है, तो फिर वो कृपा रुकती है। अभी रिसेंटली हम किसी भक्त से हमारी बात हो रही थी, ड्यूटी थे, तो लोगों के सूर्य का जल का आता है बहुत सा आता है, तो कईयों को बताया जाता है, तो उनके सितारे आने शुरू हो गए, स्टार्स। ने कभी बहुतों का सूर्य तो निकल के आता है, शनि भी निकल के आता है, लेकिन आपके स्टार्स क्यों आ रहे हैं? तो जब हमने चेक किया तो कहते कि मुझे स्टार्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बाहर निकल के स्टार्स देखती हूँ, और उनको दिखाई नहीं देते थे स्टार, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन स्टार्स को दिखाई दे रहा था कि ये हमें देख रहे हैं, और उसी से वो कृपा आ रही थी। तो कितना सेंसिटिव ये सिस्टम है, अब आप समझ गए होंगे कि उपायों से नहीं, मन की इच्छा से, सोच से वो प्लेनेटरी शक्तियां कृपा करती हैं। और इस दरबार की यही सच्चाई है कि वो प्रत्यक्ष जो प्लेनेटरी शक्तियां भी हैं, चाहे वो मन की सोच, आप सोचिए कि खोज रहे हैं कि स्टार्स क्या है, कई दिन वो देखते हैं लेकिन नहीं मिलते हैं, लेकिन वो ना दिखाई देने के बाद भी सब कुछ देख रहे हैं। तो ये शक्तियां दिखाई भले नहीं देती, लेकिन सब कुछ देख रही होती हैं और कृपा कर रही होती हैं। तो हमारे सब भक्तों ने ये गांठ बांध लेनी है कि उपाय नहीं करना है, और सच्चे मन से जो याद करेगा तो वो प्लेनेटरी कृपा भी होगी, दैवी शक्तियों की भी होगी, और काम भी बनेंगे, हमारा आशीर्वाद है। अभी अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हाँ जी, हाँ जी बाबा। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से ये प्लेनेटरी शक्तियां चलती हैं, तो उनको बांधा नहीं जा सकता। जो उपाय करता है तो ये दोनों मुट्ठियां बंद हो जाती हैं, फिर कुछ नहीं मिलता है। तो जब सच सीधे राह से मिल रहा है तो फिर क्यों ऐसा किया जाए, जो कि जल देना है या, और आप किसी भी रूप में करते हैं, लेकिन हाँ आडंबर नहीं करने हैं। तो भाई हमारे भक्त जो हैं, जिन्होंने भी ये कई कुछ उपाय कर रखे हैं, कईयों की निकल के आता था शनि की, ये घोड़े की नाल या अंगूठियाँ, ये वो सब छोड़ करके सच्चे मन से आप शक्तियों की जब पूजा करते हैं, जो हम बता जाते हैं टाइम टू टाइम, कई वीडियोस होंगे ऐसे ऑनलाइन। लेकिन एक चीज़ का ये भी ध्यान रखिएगा, जो वीडियो यहाँ दरबार की साइट से जहाँ हम आते हैं लाइव आते हैं, या पहले से जो दरबार की चल रही हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे वेबसाइट हो, सिर्फ वहीं देखिएगा तो वो कृपा बरसती है। और इधर उधर भटकन में जब आप दूसरा कोई देखते हैं तो वो रुकती है, तो ऐसी भटकन में नहीं पड़ना है। वो कुछ लोग जो हैं ऐसे हैं जो ट्रैप करना चाहते हैं आस्था को, सोचते हैं कि कैश कराएं, लेकिन भुगतान उनको ही करना पड़ेगा, और जो सच्चे भक्त हैं हमारे उन पर कृपा आएगी, और वो अपनी ऐसी प्रमोशन नहीं करते हैं, क्योंकि वो शक्तियों का काम है, वो शक्तियाँ किसको क्या देना है, कैसे देना है, क्या करना है, तो वो उनका है। तो जो उसको डाइवर्ट करके अब अपनी ही किस्मत में वो खराबी करता है, शक्तियों का कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक आदमी जो है सच की राह पर चले, ताकि उन पर वो कृपा आती रहे, और कोई उनसे छुपा कुछ नहीं होता है। यहाँ इतने सालों से आप देख रहे हैं जो निकल निकल के आता है, ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो किसी किताब में बंद नहीं है, जो दिमाग की सोच में भी छिपा के रखी हैं वो भी नहीं छिपती हैं, तो फिर उनसे क्या छिपाना? अरे उनके चरणों में गिर जाते हो जब सच्चे मन के साथ, जब मैनिपुलेशन बैक ऑफ माइंड थॉट होती है या कुछ और कैलकुलेशन होती है, तो उनका कैलकुलेटर इतना बड़ा है कि आपकी सारी कैलकुलेशन फेल हो जाएंगी। तो फिर आदमी को उस कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है, और उसमें मन की सोच की भी कसौटी है, और ऐसे कोई चाहे करोड़ों रुपए भी खर्च कर दे, लेकिन शक्तियों के लिए जब तक उस कसौटी पर खरा नहीं तो वो जीरो होता है। इसलिए आप देखते हैं कि कृपा जो है शक्तियों की मन की सच्ची भावना के साथ बरसती है, उनके काम भी बनते हैं, और जो तिकड़म करते हैं उसी में उलझ के रह जाते हैं। तो हमारे भक्त जो है, जो इतने सालों से जुड़े हुए हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच्ची शक्तियों का एक ही राह है, और वो है सच्चा मन।
बैक ऑफ माइंड, अंदर बाहर सब कुछ मन में सोच में वही होना चाहिए, तब शक्तियाँ कृपा करती हैं। वो कृपा वाली हैं, सब पर करती हैं, गलतियाँ होती हैं, लेकिन उसको जो सच्चे मन से सुधार लेता है और जो तब फिर वो कृपा का पात्र बन जाता है। भाई हमारे भक्त अब क्योंकि दोनों तीनों तरफ चल रहा है और हम भी हम कोशिश करते हैं कि किसी और को भी लाया जा सके। भाई आशीर्वाद है, क्योंकि अब हम इधर भी ट्राई करते हैं, क्योंकि फेसबुक पर 2-3 लग चुके हैं और इंस्टा वाले सोच रहे हैं कि वहाँ भाई शुरू हो गया तो इधर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ हम कोशिश करेंगे, ऐसी बात नहीं है। कोशिश तो की है लेकिन इधर। हाँ जी बिल्कुल, आपका वीडियो। हाँ प्रणाम प्रणाम, आशीर्वाद है। हाँ जी कहाँ से आप बोल रहे हैं? महासमुंद छत्तीसगढ़ से बाबा। छत्तीसगढ़ से भाई आपका बिल्कुल कृपा भी आ रहा है। और एक चीज बताओ, ये सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ा रहा है हमारे सामने हनुमान जयंती को पढ़ा था। और वैसे क्या नियम है, महीने में कितने बार पढ़ते हो? अभी तो नहीं पढ़ रहे, मम्मी पढ़ती है बाबा जी हर मंगलवार। अरे मम्मी पर कृपा जाएगी ना, तो आप पर कैसे जाएगी? हैं, ये खाता अलग अलग होता है, एक परिवार में भी अलग अलग होता है। तो आप जो हनुमान जयंती को पढ़े हैं तो बिल्कुल कृपा आ रही है। तो आप महीने में ज्यादा नहीं तो 2 बार का नियम बना लो, है तो बजरंग बली की कृपा रहेगी, आपके काम भी बनते रहेंगे और कृपा भी आती रहेगी। बाबा जी अभी कोई काम नहीं बन रहा है तो बाबा जी। अरे भाई चालीसा पढ़ना शुरू करो, काम बनने शुरू हो जाएंगे। और एक गणेश जी बड़ा आए हैं भाई। एक चीज़ और बताओ, ये गणेश जी कहाँ रखे हुए हैं भाई? एक से ज़्यादा है? एक से ज़्यादा है गणेश जी? नहीं, एक तो है, कोई ऐसे तो नहीं है, कोई सिक्का रखा हो या एक से? नहीं बाबा जी, आप दिवाली में बोलते हैं ना कि सिक्का ला के रखो लक्ष्मी गणेश का, तो वो बहुत सारा हो गया है। हाँ उनको कभी हाथ दिवाली में लाते हैं। दिवाली में बिल्कुल लाते हैं और हाथ जोड़ते हैं उनको, जो हाथ जोड़ते हाँ हैं हाँ 15 दिन में जो, या महीने में ना, कम से कम जो अलमारी में पड़े पड़े भी हाथ जोड़ दीजिएगा तो बिल्कुल कृपा आनी शुरू हो जाएगी। और एक मनी प्लांट भी आ रहा है भाई। हाँ उसको सेवा भावना से पानी दीजिए बिल्कुल। बहुत सेवा करती हूँ हाँ बाबा जी, हाँ कृपा करो, बहुत बिल तकलीफ में है हम लोग, अब बाल गोपाल जी आ गए, आपकी कृपा से राम आ गई है हाँ और आशीर्वाद है सब भाई। भाई बाबा जी हमारा बिल्कुल घर सुना। हाँ कृपा आ रही है। और एक काम और कीजिएगा कि लड्डू गोपाल का आप चाहे घर में लगा लीजिए, चाहे अभी मंदिर तो कई जगह लॉकडाउन हुआ, या तो मक्खन और मिश्री का प्रसाद एक बार करवा दीजिएगा और आशीर्वाद है हमारा। और एक सेकंड भैया, साईं बाबा की महाराज, तरफ, साईं बाबा की तरफ ही ध्यान चला गया हमारा। साईं बाबा घर में मूर्ति है बाबा जी, शिरडी जाते हैं, पिछले बार भी गए थे, पिछले साल अभी तो लॉकडाउन है तो 1 साल में भी जाना नहीं हुआ है। हाँ कोई बात नहीं, जब लॉकडाउन है तब भी उसी तरह घर बैठे ही कृपा आएगी, आप कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन साईं बाबा की कृपा बिल्कुल चल रही है। तो जब लॉकडाउन है तो उसका पालन कीजिए, और ऐसा नहीं, शक्तियों को भी पता होता है कि भाई लॉकडाउन है तो वो आपके मन की भावना से चल रहे होते हैं, आशीर्वाद है हमारा। ठीक है भाई, अब दूसरे का नंबर लगाएंगे। बाबा जी देखो ना, पाल छा के घर में रह रहे, हमारा छत वत सब टूट गया घर में, मतलब ना हमारा
कोई नहीं, आशीर्वाद है। और आप एक काम कीजिएगा, कबूतरों को या चिड़ियों को या दाना डाला कीजिए कभी कभी, और ये कृपा आनी शुरू हो जाएगी और घर का मामला ठीक हो जाएगा। बस भाई अब दूसरे का, अब दूसरे का नंबर है भाई, अब आपका हो चुका है। में डूब गए, बच्चे का भी गंदा पानी नहीं चल रहा है, ना लड़के का ना आदमी का, किसी का नहीं बाबा जी, बहुत ही भाई। अब ये करना शुरू कीजिए, आशीर्वाद है, फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा है भाई आपका ये कर। प्रणाम बाबा जी, आशीर्वाद है। जैसे भी आप बोलेंगे उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। बस जितना कहा है उतना कर लीजिए। और आपका ये डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है, एक मिनट हमें भाई ये थोड़ा हो जाएगा, ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा जरूर सबके लिए असर पड़ा है, लेकिन ये भाई ऐसा आपका क्या है क्रॉस का निशान इसमें नहीं आ रहा है, लगता है कि मुझे एंड करना पड़ेगा। ऐसा है कि अब दूसरे का हम देखेंगे, लेकिन आपका ये डिस्कनेक्ट का क्रॉस का निशान नहीं आ रहा, आपका काफ़ी समय भी इसमें आ गया है, तो हम आशीर्वाद है, मेरे सारे परिवार के लिए आशीर्वाद है। भाई ये हमारे जो भी भक्तिधर फेसबुक पर हैं या यूट्यूब पर हैं, उन सब के लिए भाई आशीर्वाद है। और ये आशा रानी हैं, कमल सिंह हैं, और गोडा हैं, विक्रम सिंह हैं, और भाई ये यूट्यूब पर भी हैं, तो सब भक्तों के लिए हमारा भैया इसमें काफ़ी समय लग रहा है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये अभिषेक सिंह हैं, कल्पना शर्मा हैं, आशीर्वाद है सबके लिए, और नीलम शर्मा हैं, नंदिता हैं, और इधर भाई हमारे अश्विनी हैं, विनोद नायर हैं भाई, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और इधर हम कोशिश कर रहे हैं कि कैमरे पर किस ऐड हो करने के लिए, भाई एक चीज़ इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, जिनकी भी फेसबुक की ऐप है वो अपडेटेड होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो फीचर उनके चेंज होते हैं, जब तक अपडेट ना हो तो वो कनेक्ट फिर नहीं हो पाता है दोनों तरफ से, तो भाई इनका भी नहीं हो पा रहा है। और ये हमेंद्रा हैं, और नंदिता हैं, और इंदु सिंह हैं,
जी वीडियो आना आपका शुरू हुआ है, क्लियर नहीं आ रहा है। बाबा जी। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से बोल रही हैं? नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते, आशीर्वाद है। नमस्ते बाबा जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नहीं 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 बाबा जी, भाई आपका, बाबा जी मैं आसाम से बोल रही हूँ। आसाम से, चलो भाई बड़ी, हाँ बाबा जी कृपा कीजिए, कृपा कीजिए बाबा जी, बिल्कुल आशीर्वाद है। अच्छा एक चीज सर आप हमें बताइए, आपकी लाइटिंग का थोड़ा फर्क है या कैमरा ठीक सेट नहीं है? अभी दिखाए बाबा, आज हाँ आ रहा है लेकिन थोड़ा सा हेजी है। तो बाबा जी मेरे बेटी, मेरे बेटा पलम कर, हाँ बिल्कुल भाई, सारे परिवार के लिए आशीर्वाद है। अच्छा सबसे पहले हमें एक चीज बताइए कि माँ काली की तरफ हाँ बाबा जी, बड़ा ध्यान दिया, अब माँ काली के हाँ कब बाबा गए जी, याद नहीं करते माँ की, हाँ बाबा जी दो साल जैसे हो गया, कलकत्ता का काली घाट गए थे और यहाँ में भी काली पूजा में, काली मंदिर जन लोकल है वहां में गई थी, ऐसे हाँ। मैं दुर्गा मंदिर जाती हूँ हाँ महीना भाई में एक बार। बिल्कुल आप दुर्गा मंदिर जा सकती हैं लेकिन आपका सबसे पहले माँ काली का आ रहा है और कृपा भी आ रही है। आपने पेड़े का प्रसाद हाँ करवाया जब गए थे हाँ याद माँ करके, बाबा क्योंकि जी, हाँ आपका हाँ गई थी, हाँ मैं पेड़े के प्रसाद ही दी थी, इसीलिए माँ काली पेड़े का प्रसाद दिखा रही हैं और बिल्कुल हाँ स्वीकार हुआ है और कृपा भी आ रही है। और अब यहीं पर आप जब भी मंदिर खुले होंगे, लॉकडाउन नहीं होगा, तो तब आप हाँ पेड़े का प्रसाद वहीं आसाम में ही करा दीजिएगा, हाँ तो माँ काली की बाबा जी, कृपा बिल्कुल चलती रहेगी। बल्कि बाबा जी, एक बाबा जी एक बात, एक एक सेकंड, हाँ हाँ बोलिएगा हाँ आप, बाबा मैं जी, कुछ ये बाबा जी पेड़े के आपके प्रसाद के साथ आपके, एक सेकंड, ये साथ में कपूर चढ़ा दीजिएगा, बस अब बोलिए आप क्या बोलना है। अच्छा बाबा जी, बाबा जी आपके नाम पे अब बोलिए क्या मेरे बोलना, जो, क्या बोलना है? हाँ आपके नाम पे ही एक मार्केट में निर्मल साय मार्केट बना रही हूँ, इसका इनोग्रेशन यहाँ का लोकल जो विधायक है वो करेंगे, ये इसी महीना में करना है बाबा जी, ये मार्केट बड़ा ही हुआ है, आप आशीर्वाद दिए हैं तो बाबा जी आपका समागम गया, जितना दिन हुआ हम लोग सका यहाँ से आसाम से गया, मेरी मम्मी भी गया, मैं भी गया, मेरा लड़का भी गया, हस्बैंड भी गया, तो आशीर्वाद आप दिया था ना, आके हम लोग आपके नाम से ही अभी स्टार्ट करना है, उसके ऊपर आप थोड़ा कृपा कीजिए बाबा जी। भाई आशीर्वाद है और आपका हाँ ये बिल्कुल सफल रहेगा, हमारा आशीर्वाद है। और अभी और भी हाँ बाबा कुछ जी, चीजें आपका आनी है और बिल्कुल बरकत भी पड़नी है और कृपा भी होनी है। पर एक ये गाड़ी की चाबी क्यों आनी शुरू हो गई हमारे सामने? हाँ बाबा जी एक गाड़ी तो मेरे हस्बैंड आपके आशीर्वाद से लिया है और आगे हमें है, मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ, एक नया गाड़ी गाड़ी लेने के मेरा भी दिल कर रहा है हाँ बाबा जो जी, आप दिल कर आशीर्वाद रहा देंगे है ना, तो। देखो वो ले लिया है और जो दिल में चल रहा है गाड़ी की चाबी तो बाबा के पास वो पहुंच जाती है, बिल्कुल आपकी आ जाएगी, सीख जाओगे। ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई बाबा जी बाबा जी, भाई सबके लिए आशीर्वाद है। टीवी में भी देखा, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं और जुड़े हुए हैं सालों से, और ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली हमसे आके मिलते हैं तभी होता है, वो कहीं भी बैठे रहेंगे वो उसी तरह कृपा, हमारे भक्त हमारे साथ उसी तरह जुड़े रहेंगे, क्योंकि अब क्योंकि विशाल है, जगह जगह लोग दूर दूर हैं और अब तो बाबा घर घर आते हैं, तो आपने हमेशा ये सोचना, सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि बाबा हमेशा साथ रहते हैं और आशीर्वाद है हमारा और सबके काम भी बनेंगे। लेकिन एक चीज़ हम जो पहले भी कहे थे, सच्चे भक्तों के और तिकड़म वालों के नहीं, लेकिन वो जो है सच्चे भक्त जो हैं
उनके लिए कोई सोचने की जरूरत नहीं, कोई गंडा तावीज़ नहीं चाहिए, कोई उपाय नहीं चाहिए। सच्ची पूजा अपने मन से करो, कर्म ठीक रखोगे तो बाबा का कृपा का हाथ भी रहेगा और काम भी बनते रहेंगे। लेकिन उसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए, सोच नहीं होनी चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि शक्तियाँ उससे मुट्ठी बंद होती है, कृपा रुकती है। हम बार बार ये चीज़ें कहते हैं और वो जो समझ जाता है वो कृपा पा लेता है, और जो नहीं समझता फिर उसकी किस्मत, बाबा क्या कर सकते हैं। हम वो राह दिखाते हैं जो कि उन शक्तियों की है और सच की है। वहाँ मन की सोच, एक लुक, हर चीज़, कर्म, सब कुछ मैटर करता है। और फिर दुनिया सारी चाहे जो मर्जी करती रहे, कहती रहे, वो सोचने की ज़रूरत नहीं होती, वो शक्तियाँ अपने आप सब कुछ निकाल लेती हैं। और कहाँ कहाँ उन्होंने किसको क्या देना है, एक एक चीज़ का हिसाब रखते हैं, एक एक चीज़। ये नहीं कि वो डराते हैं, वो कृपा करते हैं, उपाय नहीं करवाते। मन की भावना जो है सबसे बड़ी है, और सच्ची भावना। तो जो जो गलत ट्रैक पर जाते हैं वो अपने लिए ही गड्ढे खोदते हैं, और वो गलत फिर अपने सामने आता है। और वहाँ कोई भी ऐसा नहीं हो सकता, शक्तियाँ कृपा में तो हाथ साफ करती हैं, तो ऐसे हाथ फेरते हैं तो साफ हो जाता है। लेकिन जब कोई जानबूझ के कोई करता है, इंटेंशनली करता है, तो समझ लीजिए कि वो फिर आगे उसी को भुगतान करना पड़ता है। तो आपने हमेशा डरने की ज़रूरत नहीं, सच्ची शक्तियाँ हमेशा कृपा वाली होती हैं। आप वही कीजिएगा, भटकन में ना पड़िएगा, तो आपके काम भी बनेंगे। और जो जो चीज़ें हम बोल जाते हैं वो अटल सच्चाइयाँ हैं उन शक्तियों की, जो बदली नहीं जा सकती। तो ये जो समझ गया तो फिर वो कृपा को पा जाता है। भाई आगे हम बढ़ते हैं अब, क्योंकि ये सतीश साहू हैं, भाई यूट्यूब पर भी आ रहे हैं हमारे भक्त, क्योंकि तीनों तरफ थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। विपिन कुमार हैं, आशीर्वाद हैं, ये किरण रजाक हैं, और इधर ये मोनिश दत्ता हैं, वे आशीर्वाद हैं इनके लिए भी। और फिर हम कोशिश कर रहे हैं किसी को ऐड करने की। ये दशरथ प्रसाद जी हैं, गीता राठौर हैं, हेलो हेलो, वीडियो आना। हेलो, हाँ प्रणाम बाबा जी। हाँ जी, आशीर्वाद है। हाँ जी, प्रणाम बाबा जी, पटना से बोल रहे हैं बाबा जी। प्रणाम भाई, प्रणाम। पटना से बोल रहे हैं बाबा जी। भाई पटना से आप बोल रहे हैं, बिल्कुल आवाज भी आ रही है। चंद्र प्रकाश मेरा नाम है बाबा जी। हाँ जी, चंद्र प्रकाश जी, सब एक ही चीज में सबसे पहले जी बाबा जी, ये जी बाबा जी, बहुत कर्ज में है बाबा जी, बहुत परेशानी है बाबा जी। आज पहली बार आपका नंबर लगा बाबा जी। कितने सालों से जुड़े हैं बाबा जी? मेरी माँ, मैं पहले भी पूर्णमासी में आया हूँ बाबा जी, पापा के साथ। और ये मेरी माँ है बाबा जी, बहुत आपकी भक्त है, बहुत आपकी भक्त है। लेकिन बाबा जी बहुत परेशानी में जूझ रहे हैं, बहुत कर्ज है बाबा जी, बहुत तकलीफ हो रही है। भाई आप हमें बोल दीजिएगा जी, बाबा जो जी। आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। हमें दो चीजों का जवाब दीजिए। सबसे पहले तो देवघर की तरफ ध्यान गया हमारा। बाबा जी, देवघर 2 साल पहले गया था मैं। मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगा देवघर, बट इधर बहुत परेशानी आ गई बाबा जी, तो टिकट भी नहीं हो पाया बाबा जी, इसलिए नहीं जा पाया। 2 साल पहले आप गए थे, आपने सोचा था और गए नहीं। जी बाबा, जाऊंगा जी बाबा, जी बाबा, जैसे सोचते हैं तो वहाँ भोले भी फिर सोचते हैं अभी आएगा तो कृपा करेंगे। जी बाबा जी, सॉरी बाबा जी, जाएंगे बाबा जी, लॉकडाउन टूटेगा तो जरूर जाएंगे बाबा जी। लॉकडाउन में आप अब बात चल रहा है, लेकिन जब ठीक हो जाए आप देवघर का एक कर लीजिएगा, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। एक मिनट, दूसरी चीज हमारे सामने छठ का आ रहा है। आपके यहाँ कोई छठ करता? जी मेरी माँ छठ करती है बाबा जी, मेरी मम्मी छठ करती है। कुछ अदल बदल की है? नहीं, नियम तो वही है बाबा जी, जो शुरू से माँ करते आ रही है वही कर रही है, कुछ उसमें तो कुछ चेंज नहीं है बाबा जी। कोई कमी हो तो बता दीजिए बाबा जी। भाई आप पहले जहाँ स्नान वगैरह करने जाते थे या कितने सालों से कर रहे हैं छठ आप बाबा जी? पहले जो
शुरू से बताते हैं बाबा जी, पहले मेरी माँ लोग नानी के साथ छठ करती थी, तो पहले जब मम्मी मम्मा शुरू की थी तो पहले वो लोग जाते थे पार्क में, उसके बाद अब हम लोग अपना कुछ फैमिली दिक्कत के कारण सर अभी अब हम लोग अपने घर में ही करने लगे, तो पहले छत पर की थी, किराए के मकान में हम लोग रहते हैं, तो अब इस साल हम लोग पार्क में जाकर किए थे बाबा जी। वो चेंज हुआ है बाबा जी, 2-3 बार चेंज हुआ है। वही जो चेंज हुआ है ना, इसी वजह से वो थोड़ी सी कृपा रुक रही है, तो जो आप पहले करते थे वो आपका स्वीकार हो रहा था, तो बेटर है कि अगर वैसे हो जाएगा तो आपकी फिर से कृपा आनी शुरू हो जाएगी और ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी, परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, लेकिन आप नियम वही बना लीजिए और एक बार भूलेगा कर लीजिएगा। और जल बड़ा आ रहा है भाई, ये जल की तरफ ध्यान दे रहा है बाबा जी। पहले तो गंगा जल लाते थे तो गंगा जल खत्म हो गया बाबा जी, हफ्ते में छींटे मारने जैसा आपने बोला था वैसा करते थे। तो पिछली पूर्णमासी में आपने आपका सुना था कि जब गंगा जल नहीं हो तो फिर आप प्रोग्राम के आगे जो जल रखते हैं तो वो मैं छींटा मारता हूँ बाबा जी, आज मॉर्निंग में भी मारा था। के आगे जो है जल बना सकते हैं, लेकिन गंगा जल है उसका भी आपने मान करना है। जी बाबा जी, मैं लाने वाला हूँ बाबा जी, मैं ले आऊंगा जाकर। गंगा जल को गंगा जल का देना है आपने, और शिव का जल जी बाबा जी सबसे ऊंचा होता है, तो जी बाबा जी रख सकते हैं गंगा जल आशीर्वाद हमारा बाबा जी, कर्ज से निजात दिला दे बाबा जी। करिएगा तो ये फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और ये एक पकौड़े तलने की तरफ क्यों ध्यान चला गया भाई? बाबा जी पकौड़ा तो हमारे यहाँ हमेशा बनते रहता है, मम्मा बनाती है, यही मेरी मम्मा है, यही बनाती है। और खासकर प्याज वाला, प्याज वाला पकौड़ा बने तो इधर बाबा जी बनता है, बट इधर लगभग 2 मंथ हुए होंगे। हाँ, इधर 2 महीने से नहीं बना है, तो एक बार वो बना जी नहीं बाबा जी। जी 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 जरूर बाबा जी, कुछ गरीबों को भी बांट दीजिएगा और ब्रेड के साथ। जी बाबा जी, जी बाबा जी, और जी बाबा जी, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा जी। ये देवघर का ठीक कर लीजिए, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू बाबा जी, बाबा जी आपकी 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 कृपा। अच्छा एक मिनट रुक जाओ भैया, जब हमारे सामने कुछ आ रहा होता है तो हमें रुकना पड़ता है। जी ये बताओ कि ये बजरंग बली का जो स्टेशन के पास मंदिर है उधर बड़ा ध्यान जी बाबा जी। बाबा जी मैंने हर महीने नियम बनाया था बाबा जी, तो हमेशा जाता था, बट इधर एक महीना पहले भी गया था जब अनलॉक हुआ था, तो अब लॉकडाउन में नहीं गया बाबा जी, पिछले मंथ नागा हो गया लॉकडाउन के वजह से। कोई बात नहीं, आप जब लॉकडाउन हो तो घर में ही कर सकते हैं। अब बजरंगबली जो है आपका वो सभी जी बाबा जी, तो लड्डू चढ़ा सकते हैं बाबा जी घर में? बिल्कुल चढ़ा लीजिए, जब तक लॉकडाउन है तो आप घर में कर सकते हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा जी, प्रणाम बाबा जी। बाबा जी को थैंक यू की जरूरत नहीं, बस जो कहा है वो कर लो, आशीर्वाद है हमारा। प्रणाम बाबा जी। एक सेकंड जी बाबा जी, जी बाबा जी, बार बार बर्फी क्यों आनी शुरू हो गई? हम जाने की सोचते हैं, कुछ ना कुछ निकल के आ जाता है आपका। बाबा जी बर्फी तो मैं नहीं चढ़ाया काफी दिनों का, बहुत पहले बजरंगबली को चढ़ाया था बर्फी, बहुत पहले चढ़ाया था। तो खुद कब खाए हो बजरंगबली? तो बर्फी दिखा रहे हैं लोगों का, बूंदी का आता है तो बर्फी। बर्फी काफी दिन हो गए बाबा जी, वैसे मुझे पसंद है। हाँ पसंद है, जो पसंद की चीज बजरंगबली को चढ़ाते हो ना, आपकी बर्फी स्वीकार हुई थी, तो इस बार बर्फी का ही करा देना। जी बाबा जी, जी जरूर बाबा जी, प्रणाम बाबा जी। अभी देखते हैं कौन से भक्त ने कौन सा प्रसाद चढ़ाया है, वही है तो बिल्कुल आशीर्वाद जी, जी बाबा जी, जी प्रणाम बाबा। आशीर्वाद अभी इंस्टा पर लग गया है तो बिल्कुल भाई आशीर्वाद है भाई, आपकी शादी पक्की हो गई है, शादी भी बिल्कुल होगी, अच्छी तरह से होगी,
और उसके आगे भी कृपा आ रही है, तो वहां तक नहीं जाते हैं, लेकिन भाई आपका तो बिल्कुल अच्छा भाई आशीर्वाद है। अच्छा शादी तो पक्की आपकी हो गई, ठीक है, लेकिन ये बताओ कि ये लड़के की तरफ क्यों ध्यान गया है, बच्चा लड़का इधर क्यों, कोई थॉट है क्या? कभी कभी मन में सोचते हो, अभी शादी हुई नहीं और मन में पहले से, अरे ऐसा है कि वो सोच भी बाबा तक पहुंच जाती है, जब दोनों रहेंगे हैं, एक मत सोचना, लेकिन आशीर्वाद। अरे एक मिनट भाई, तुम तो कुछ आगे ही बढ़ते जा रहे हो, एक मिनट, ये छोटे कपड़े क्यों आने शुरू हो गए, बच्चों के कपड़े क्यों आने शुरू हो गए? ऐसा है कि अभी छोटे कपड़े उसी को दे दो, अपने छोटे कपड़ों का हिसाब बाद में लगा देना, आशीर्वाद है। बस भाई बस, अब आगे किसी का, अब आगे आगे और किसी का नंबर लगाएंगे भाई, ये यहाँ है, इसमें एक प्रॉब्लम ये आ जा रही है कि इसमें काटने का क्रॉस जो आता है वो नहीं आ रहा है। हमें आशीर्वाद है हमारा भैया, अभी हमें दूसरे का नंबर पर लेना है। भाई आशीर्वाद है, हमारे भक्त जो ये अभी इंस्टा पर अब जो है और नहीं है आ रहा है, अभी फेसबुक और यूट्यूब ही वो बंद कर दिया हमने, जो भी हमारे भक्त हैं वो फेसबुक पर अभी चल रहा है, यूट्यूब पर चल रहा है जी। अब क्योंकि ये कविता हैं, प्रीति जायसवाल हैं भाई, आशीर्वाद है इनके लिए, और ये अनीता पांडे हैं, सुदीप्ता दास हैं, सोनी तिवारी हैं, भी है, हम कैमरे पर और लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन टाइम लग रहा है लगता है इनको। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी, आशीर्वाद है, बिल्कुल आपका वीडियो आना शुरू हो चुका बाबा जी। हाँ जी, कहाँ से आप बोल रही हैं? पानीपत से बाबा जी। पानीपत भाई। हाँ जी बाबा जी। भाई सबसे पहले एक चीज बताइए कि वैष्णो देवी की तरफ बड़ा ध्यान गया हमारा, लास्ट कब गए? बाबा जी कई साल हो गए नहीं जा पा रही, क्योंकि मैं अकेली हूँ इसीलिए मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ। कितने साल हो गए होंगे लगभग? हो गए होंगे 18-19 साल। जाने का बहुत मन है, हर बारी प्रोग्राम बनता है फिर रह जाता है। भाई 18
19 साल हो गए सिर्फ आज, तो आजकल तो चलो दिक्कत है, लॉकडाउन है, लेकिन हाँ जी, बाबा जी समय नहीं निकाल पाए कि जा सके, ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं, है बाबा जी, जाने का बहुत मन होता है, सिर्फ अकेले होने के कारण मन करना मैं काफी नहीं, हम समझ सकते हैं अभी तो आपको दिक्कत है, लेकिन हम उस समय की बात कर रहे हैं जब आप जा सकते थे उस समय नहीं गए। अब ऐसा है कि अब फिलहाल तो आप जो भी आपके नजदीक मंदिर हो या घर में ही, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप एक माता का नारियल घर में ही चढ़ा दीजिए, और ठीक है बाबा जी, जहाँ जब शरीर बाबा जी मेरे हम हाँ जी बाबा जी मेरे जो भाई की दोनों बेटियां हैं उनकी शादी पे कृपा कीजिए। भाई उनके लिए भी आशीर्वाद है, और सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि आप पर भी कृपा आए, ताकि वो माता का जो आपका पैर पड़ गया है ना, तो वो ठीक बाबा जी, तो उनके लिए भी आशीर्वाद है, और आप जो है ये कर लीजिएगा, और नजदीक जो मंदिर है दूर नहीं जा सकते हैं, जब लॉकडाउन खुला होगा तब आप यहाँ का जो है 2 महीने का नियम बना लीजिएगा, तो आपके काम भी बनने शुरू हो जाएंगे और कृपा भी आनी शुरू हो जाएगी और परेशानियां जो है वो दूर हो जाएंगी। आशीर्वाद है, हम आगे बढ़ेंगे। आपकी बहुत बहुत आशीर्वाद है सबके लिए। आज फेसबुक के काफी लग रहे हैं इसलिए ज्यादा इनको तो समय लग रहा है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। ये अशोक ढिल्लो हैं, ये विश्वम्भरी देवी हैं, और इधर YouTube पर भी ये हमारे पिंकी और बॉबी और राम जी सक्सेना भी आशीर्वाद है सबके लिए। रेनू नायक हैं और कल्पना है, इधर अब किसी और को लेना पड़ेगा। ये अनुराधा है और संगीता वर्मा है, आशीष और विवेक चौधरी हैं, सुमित्रा हैं भी आशीर्वाद है उनके लिए, और श्रद्धा हैं यूट्यूब पर, कृष्णा गिरी हैं, विवेक हैं, मैं रविंद्र कुमार महतो हैं, मैं सबके लिए उनके परिवार के लिए बिल्कुल आशीर्वाद है। मैं इनको भी समय लग रहा है, समीक्षा है, लवप्रीत है और दशरथ हैं, भाई आशीर्वाद है उनके लिए।
ये एससी शुक्ला है, सुनैना है, भाई एक और को कोशिश की जा रही है लेकिन टाइम लग रहा है उनको भी। ये रूभीचा है, और प्रदीप है, उमा है, आशीर्वाद है इनके लिए भाई। और ये किरण है और दशरथ हैं, संजू हैं और आकाश शर्मा हैं, प्रतीक प्रसाद हैं भाई, आशीर्वाद है सबके लिए। किताबें बड़ी आ रही है बाबा जी, लुधियाना से। अब पढ़ते क्या है, क्या कर रहे हैं? बुक्स की तरफ क्यों ध्यान? हाँ जी बाबा जी, ये बुक्स बड़ी आ रही है हमारे सामने, किताब, कौन सी किताब पढ़ते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या करते हैं? हाँ जी, मैं कॉलेज में हूँ बाबा जी, बीए सेकंड ईयर में। अच्छा, बीए सेकंड ईयर में, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई? अच्छी चल रही है बाबा जी। अब हाँ जी, अच्छा एक चीज और बताओ कि मोर का पंख एक बहुत सपने है, आपके सपने कब आया मोर का पंख? मोर का पंख कभी देखा क्या? नहीं, बचपन से लेके देखिएगा भाई आपका, फिर हमारे सामने आना नहीं चाहिए, फिर भी दिमाग को जोर देके देखो, कभी देखा है मोर का? मोर का पंख कहाँ पर देखा? आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? नहीं बाबा जी, बीच बीच में से आ रही है। ऐसा है कि एक बार आप कृष्ण जी का जो है प्रसाद करा दीजिएगा, बाकी आशीर्वाद है हमारा, और बिल्कुल पढ़ाई का भी आपका ठीक रहेगा और करियर भी सही रहेगा, ठीक है? आशीर्वाद, आशीर्वाद। ज्योति प्रसाद है, कंचन सिंह है, आपका वीडियो बिल्कुल आ रहा है बाबा। बाबा नमस्ते बाबा जी, बाबा नमस्ते बाबा जी, बेटा की जॉब की है बाबा जी। कहाँ से बोल रहे हैं बाबा जी? कोटी कोटी पुराना में। हाँ बिल्कुल, आंध्र प्रदेश टोमपेटो से बाबा जी। अच्छा, आंध्र प्रदेश से। आंध्र भाई आशीर्वाद है, क्या बेटे की जॉब, क्या कह रहे थे आप? बाबा मेरा बेटा के जॉब आ रहे, फिर चला गया बाबा जी, ए बेटा बाबा
कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। बाबा जी मेरा बेटा की जॉब कीजिए बाबा जी। एक सेकंड, हमें एक चीज बताइए कि ये तिरुपति बालाजी की तरफ बड़ा ध्यान गया हमारा। हाँ बाबा जी, टिकट खरीद से मैं ऐसे लॉकडाउन से बंद हो गया बाबा जी। टिकट किया था क्या बाबा? थोड़ा बोले बाबा, मेरा भूल बता दे बाबा। नहीं नहीं, बालाजी का क्या किया था? लॉकडाउन की वजह से नहीं जा सके, लेकिन क्या सोचा क्या था? बाबा जी टिकट खरीदा ना, सब टिकट से पैसा आ गया बाबा जी। अच्छा, टिकट खरीदा था, टिकट का पैसा आ गया। हाँ बाबा, डोनेशन दे दे पैसे। हाँ बाबा जी बोलिए बाबा, भूल बता। कोई बात नहीं, हाँ घबराइए नहीं, जब आप लॉकडाउन वगैरह खुल जाएगा, ठीक हो जाएगा, तब आप बालाजी के जाइएगा, जाइए, अब आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। और एक बार आप बालाजी के लड्डू का प्रसाद घर में ही करवा दीजिए, घर में ही लड्डू के प्रसाद घर में बनाइए, घर में चढ़ा दीजिएगा। बाबा जी मेरा बेटा के जॉब, ये साईं बाबा भी आ गए भाई, साईं बाबा भी आ गए क्या बाबा जी? साईं बाबा, बाबा बाहर साहब क्या करेंगे बाबा जी? नहीं, क्या आप साईं बाबा से रिलेटेड कुछ आपने सोचा था? क्या था, क्यों आ रहे हैं हमारे सामने? हाँ बाबा के विभूति लगा रहे हैं, विभूति बाबा के विभूति लगा रहे बाबा जी। अच्छा, विभूति लगा रहे हैं, तो भाई बिल्कुल आप इसी तरह लगाते रहिए, हमारा आशीर्वाद है। खुलेगा तब जो भी प्रोग्राम बनाना होगा तो बना सकते हैं, जाइए, आपके काम भी बनने शुरू हो जाएंगे, आशीर्वाद है। लेकिन बालाजी का लड्डू का प्रसाद जो कहा है वो घर में करवा दीजिए बाबा जी, घर में लड्डू के प्रसाद करेंगे बाबा जी। हाँ, घर में बाबा जी, मेरा बेटा के, और ये बाबा जी बेटा के जॉब, एक सेकंड, एक मिनट, ये लक्ष्मी जी बड़ा आ रहे हैं भाई। लक्ष्मी जी का आपने क्या फोटो रखा है, क्या किया है, सिक्का रखा है गणेश लक्ष्मी? हाँ बाबा जी, बाबा जी घर में मंदिर के पास है लक्ष्मी के ऊपर, लक्ष्मी विनायक सिल्वर, लक्ष्मी विनायक के सिल्वर के है बाबा जी। उनको हाथ जोड़ रहे हैं, उनको जोड़ते हैं हाथ, हाथ जोड़ते हैं बाबा जी। हाँ, उनकी उनका भी कृपा शुरू हो जाएगा, बल्कि एक दो बार अगरबत्ती कर दीजिएगा और आशीर्वाद है हमारा, और फाइनेंशियली भी आपका जो है इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। और एक पर्स बड़ा आ रहा है, पर्स के अंदर आप, पर्स की तरफ ध्यान जा रहा है, क्या रखते हैं पर्स में? हाँ बाबा जी, अब बाहर में जाने से पर्स में पैसे रखे, अभी खाली पर्स है बाबा जी, मेरा पर्स के हस्बैंड का पर्स है। नहीं, आपका आपका तो खाली, मतलब चाहे कुछ भी पड़ा रहे लेकिन कुछ उसमें रहना चाहिए, तो बरकत के लिए आपका सही रहेगा। और क्योंकि आपका लक्ष्मी जी का भी कृपा आ रहा है, आपका ठीक हो जाएगा, बालाजी का भी शुरू हो जाएगा, तो लेकिन पर्स खाली मत रखिए, और आशीर्वाद है हमारा। अभी आगे बढ़ते हैं, जितना कहा है वो कर लीजिएगा। बाबा प्लीज, बाबा एक सर, मेरा बेटा की जॉब हो गया, जॉब चला गया बाबा, क्या भूल हो गया बाबा? जॉब आने जो आपको कहा है वो कर लीजिए, बालाजी का जो लड्डू का प्रसाद है वो कर लीजिए, फिर से रास्ता खुल जाएगा, आशीर्वाद है हमारा। मेरा बेटा पे, हस्बैंड पे कृपा करो बाबा जी, मेरा माँ की, मेरा बहन, बाबा मेरा महान, सबके लिए हमारा भरपूर आशीर्वाद है। और अब हम इजाज़त चाहेंगे, और अब मुझे जब भी दोबारा आएंगे तो विल हम आपको ज़रूर इंटीमेट कर देंगे। और अब इस बार तो फेसबुक वालों को भी शिकायत नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा नंबर उसी में लगे हैं, लेकिन टेक्निकली कभी ऐसा होता है तो इधर उधर थोड़ा हो जाता है, लेकिन चाहे नंबर लगे या ना लगे, लेकिन कृपा उसी तरह चलती है। और जो जो कहा गया है उसको अपने जीवन में उतारना है, हमारे सब भक्तों के लिए आशीर्वाद, उनके परिवार वालों के लिए आशीर्वाद। अब हम इजाज़त चाहेंगे।